हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, महादेवी वर्मा जी का। आप जीवन परिचय लिखते हो, लेकिन आपको जीवन परिचय लिखने का जो असली तरीका होता है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलता है, वो ट्रिक आपको नहीं पता है कि जीवन पर्ची में पूरा का पूरा नंबर किस तरह से लिया जाता है। तो आइए हम बताते, एक एक चीज़ को आपको समझाते चलेंगे। और जीवन पर्ची अगर आप देख लेते हो तो 5 मिनट में ही आपको पूरी जीवन पर्ची याद हो जाएगी। तो देखो, जो मीराबाई थी, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन परुखराबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देख लो बात यार, जब इनका आपको जन्म बिल्कुल क्लियर गया तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसको ब्लैक पेन से लिख देना है। गैस यार, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो टीचर होता है वो ब्लैक की हुई चीज़ें जो होती है थोड़ा हाईलाइट हो जाती है, और ये जन्म और मृत्यु ही देख कर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे जीवन परिचय को पढ़ सके। तो यहाँ से हमने लिखा कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन परुखराबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और साथ ही साथ आपको एक बॉक्स भी बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बॉक्स मैंने बनाया है। इस बॉक्स में आप इनका नाम, जन्मस्थान, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएं लिखेंगे। इस लिखने से क्या होगा कि टीचर को काफ़ी ज़्यादा आपको आराम होगा, कंफर्टेबल होगा आपकी कॉपी को चेक करने में। वो यही चीज़ आपको देखेगा, इन सब चीज़ों को नहीं। इसमें क्या लिखे आप इसको नहीं देखेगा, यहाँ भी जो चीज़ें उसको केवल देख लेगा एक निगाहों से। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया, इनके पिता गोविंद सहाय तथा माता हेमरानी थी। अब देखो, इनके पिता को भी यहाँ ब्लैक पेन से इसलिए लिखा गया है, अगर आप हाईलाइटर लियो तो इस पर चला सकते हो, ठीक है। गोविंद सहाय ब्लैक पेन से तथा माता हेमरानी थी, ये भी ब्लैक पेन से हाईलाइटेड के लिए लिखा है। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। महज 9 वर्ष की उम्र में आपका महादेवी वर्मा जी का विवाह रूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। और साहित्यिक परिचय की बात कर ले तो थोड़ा सा, महादेवी वर्मा अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण योगदान हासिल किया है और कई पुरस्कार से सम्मानित भी हुई हैं, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ एवं भारती। देखो, इसको भी आपको ब्लैक से करना है हाईलाइटेड के लिए, ठीक है, इससे ये आकर्षक बनता है। और इन्हें साहित्य में भी स्थान बनाया है, जैसे उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्ताज आदि में। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, इसको भी आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है, तभी देखो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। रचनाएँ इन्होंने लिखा, यामा, दीपशिखा और निर्जय इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।